मेरी तो तमन्ना है कि मैं एक दिन लाहौर और कराची जाकर वहां की सिविल सेवा परीक्षा के लिए वहां के प्रतिस्पर्धियों को पढ़ाऊं भारत की तरफ से। हमारे लड़ने से फायदा किसका और नुकसान किसका? दुनिया में जितनी बड़ी सी बड़ी समस्याएं सॉल्व हुई हैं सब मेज पर बैठकर ही सॉल्व हुई। मैंने भी सपना देखा है आईपी का। इसराइल को तो यहूदियों ने बनाया ही, पाकिस्तान को भी यहूदियों ने ही बनाया। ये बात मेरी बड़े सारे मेरे मित्र नहीं मानेंगे और पाकिस्तानी मित्र तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, शायद उनके अहंकार को चोट पहुंचती है। लेकिन वो मेरे एक तर्क का खंडन नहीं कर पाते कि अगर मान लो तुमने ही बनाया, तुम्हारे पास नेचुरल गैस का भंडार था, ईरान से तुम्हारा बॉर्डर मिलता था, एनर्जी की तुम्हारे पास कमी नहीं थी, तुम क्यों भिखमंगे रह गए? लेकिन आज मैं इस मंच से पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि आप भी इस मुद्दे पर विचार करें कि हमारे लड़ने से फायदा किसका और नुकसान किसका। मेरी तो तमन्ना है कि मैं एक दिन लाहौर और कराची जाकर वहां की सिविल सेवा परीक्षा के लिए वहां के प्रतिस्पर्धियों को पढ़ाऊं भारत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। और अकेला नहीं, हालांकि उनके सिविल सर्विस में उनका अपना कोई इतिहास है नहीं, भारत का वो डाल नहीं सकते, तो यूरोप का इतिहास है। आशा करता हूं कि वो मुझे कभी बुलाएंगे जरूर। बड़ी इच्छा है मेरी कराची और लाहौर जाकर वहां की सिविल सेवा के लिए उनको पढ़ाना और उनसे कहना कि कब तक तुम F-18 खरीदोगे और भीख मांगोगे, और कब तक हम राफेल खरीदेंगे और भीख मांगेंगे, कब तक? हालांकि मैं बड़ा विरोध करता हूं पाकिस्तान का बहुत सारे मंचों पर, उसके पीछे मेरे कारण होते हैं। कुछ लोगों को मुझे जब 30 पहुंचानी होती है तो मैं कुछ चीजें जानबूझकर बोलता हूं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक ही भूमि के हिस्से हैं और कभी ना कभी ईश्वर ने चाहा, शायद हमारे ही द्वारा इन सब का एक संघ बनेगा, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का अस्थाई समाधान नहीं है। वॉर, आज मैं इस मंच से कह रहा हूं, वॉर इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जितनी बड़ी सी बड़ी समस्याएं सॉल्व हुई हैं सब मेज पर बैठकर ही सॉल्व हुई हैं। कब तक तुम F-18 पर बैठ के ईद का चांद देखोगे और कब तक हम राफेल पे खड़े होके ड्रिप इरिगेशन करेंगे हिंदुस्तान में, अगर हम वो सारा पैसा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में लगा दें तो अगले 10 साल में तुम्हारी भी वाह वाह और हमारी भी वाह वाह। और आईपी इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा इनविंसिबल पावर। कहते हैं कि रहमत अली ने कभी सपना देखा था पाकिस्तान का और पाकिस्तान बना। मैंने भी सपना देखा है आईपी का, इंडिया पाकिस्तान इनविंसिबल पावर। नाराज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझने की जरूरत है। 100 साल तक यूरोप आपस में लड़ता रहा, 100 ईयर्स वॉर, और आज यूरोपियन यूनियन, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलग रहे, आज जर्मनी एक महाशक्ति है, सब मिलकर चल रहे हैं।